हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसी सीरीज में ये आज का वीडियो है। आज हम कुछ पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उनका प्रूवमेंट और उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे सबसे पहले मेरे पास एक रिजल्ट है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन। हाउ टू प्रूव, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप कहीं भी साइन इनवर्स एक्स अगर लिखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स जो भी आप लेट करते हैं आप ये जरूर यहां पर आप मेंशन करिए कि उसकी वैल्यू माइनस 92 प्लस 90 होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी आईटीएफ जब भी पढ़ेंगे आप इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का प्रिंसिपल वैल्यू का आप जरूर ध्यान रखें। अगर इसका आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स इधर होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप एक रिजल्ट जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहां पर ये साइन जब इधर आएगा तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जरूरी है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से बच्चे इसको मिस कर रहे हैं और इसलिए उनको आसानी लगता है ये टॉपिक। होगा क्या कि जब ये साइन इधर आएगा तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस थीटा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स अंदर कुछ भी मेंशन है बट जो भी रिजल्ट है ये इसकी वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 तक होनी चाहिए। मतलब यहां पर साइन इनवर्स यहां ब्रैकेट में कुछ भी दिखाओ बट इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 90 टू प्लस 90, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए चेक करते हैं, जब हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा मिल जाएगा यहाँ पर, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला रिजल्ट माइनस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो यहाँ पर जो लेस देन है ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस थीटा की वैल्यू भी माइनस 90 से प्लस 90 होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपने यहां साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा और रिजल्ट माइनस थीटा आया, तो ये इंपॉर्टेंट है कि माइनस थीटा क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है कि नहीं, मतलब क्लोज इंटरवल माइनस 90 प्लस 90 इंक्लूडेड होना चाहिए। तो बिल्कुल है, चेक किया मैंने, तो इसका अब यहां पर थीटा जो आपने लेट किया था ये पुट कर दीजिए, तो थीटा की जगह हमने रख दिया साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर रिजल्ट आया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करते हैं आसानी से, इस रिजल्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, सबकी सारा दारोमदार इस पर है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो उसके बारे में मैंने एक्स के बारे में बताया कि एक्स की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन क्लोज इंटरवल होती है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद जो आपका फर्स्ट वीडियो मैंने इसमें यूट्यूब में डाला था तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था, एक टेबल बनाई थी जिसमें मैंने सिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन और रेंज लिखी थी, वो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि उसी प्रिंसिपल डोमेन रेंज पर फंक्शन मेनी वन सॉरी वन वन ऑन टू होता है, तो जब फंक्शन वन वन ऑन टू होंगे उन्हीं में इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसलिए वो प्रिंसिपल आपको ब्रांच याद रखनी होगी। तो देख रहे हैं आप, आपके पास पहला रिजल्ट हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये इसका प्रूवमेंट है। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा रिजल्ट मेरे पास वो क्या है, दूसरा रिजल्ट है मेरे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। यहां पर एक्स की वैल्यू वही माइनस वन से प्लस वन तक होती है, क्लोज इंटरवल लिख दे रहे हैं। चलिए अब इसको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले लेट करते कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर देते हैं,
बस वही है, यहाँ पर आईटीएफ का यूज क्या है कि आपने जो कॉस इनवर्स ऑफ थीटा लेट किया उसमें थीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी, थीटा जीरो से लेकर पाई तक होता है क्लोज इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी इनवर्स फंक्शन लिखें तो उसके बगल में उसका रेंज जरूर लिखें, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। यहां पर x इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट है, आप माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, हम आपको बताएं आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं दो रिजल्ट, एक कॉस पाई प्लस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा, बोथ आर माइनस कॉस थीटा। अगर आपको बता दें कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट होगा और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, थर्ड और सेकंड दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है, तो अब यहां पर आपको क्या लिखना चाहिए सुनिएगा, यहां पर हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके माइंड में आएगा यहां पर कि आपने माइनस कॉस थीटा को आपने कॉस पाई माइनस थीटा लिखा, ठीक है, लेकिन कॉस पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन भी बताएंगे हम आपको, पहले आइए इसको समझते हैं, इसी में ही बताएंगे, कोई अलग से इसका वीडियो नहीं बनाना है मुझे। ये जब कॉस इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सुनिएगा जरा ध्यान से, कि आपको मैंने कहा कभी भी आप इनवर्स फंक्शन लिखें, ये लिखा है आपने कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इंपॉर्टेंट है कि ये जो पाई माइनस थीटा है ये जीरो से पाई तक होना चाहिए, इसकी रेंज जीरो से पाई होनी चाहिए। आइए देखते हैं पाई माइनस थीटा की रेंज जीरो से पाई है कि नहीं। तो देखिए जब आपने क्वेश्चन में लेट किया था कॉस इनवर्स एक्स थीटा, तो वहां पर थीटा की वैल्यू आपने बताई थी, थीटा की वैल्यू बताई थी आपने जीरो से लेकर पाई तक। अब होगा क्या कि आप यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो होगा, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, और ये माइनस पाई रहेगा। अब पूरे में पाई ऐड कर दीजिए तो यहां पर जीरो प्लस पाई पाई हो जाएगा, पाई माइनस थीटा ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेकर पाई तक होगी। तो आपसे मैंने कहा था क्या ये जो कॉस इनवर्स लिखा है तो इसकी रेंज जीरो से पाई है, तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू थी यहां पर वो पाई माइनस थीटा थी, और यहां पर पाई माइनस थीटा की वैल्यू जीरो से पाई क्लोज हो गई, यही मुद्दा था इसमें। तो यहां इसका मतलब ये रिजल्ट सही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी यहाँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस थीटा हो सकता है, मतलब यहां पर ये कॉस इधर आ सकता है। अब यहां पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस, और थीटा की जगह आपने लेट किया था कॉस इनवर्स एक्स, तो आप यहां पर कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे और ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। अब बात थी यहां पर कि आपने कॉस पाई प्लस थीटा क्यों लिखा, तो आइए हम यहीं पर आपको समझा दें कि माइनस एक्स इक्वल टू यहां पर माइनस कॉस थीटा था, इस स्टेप को हम यहां पर लिख दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, यही वाला स्टेप था ना, इस स्टेप पे आप कह रहे थे कि यहाँ पर माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिखा, आपने कॉस पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, तो इसका जवाब यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर कॉस पाई प्लस थीटा लिखते हैं तो जरा समझिएगा इस स्टेप में भी कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत यहाँ से ये होती जब ये कॉस उड़ के इधर आता, तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स लिखते ना तो ये हो जाता पाई प्लस थीटा, ये पॉसिबल नहीं था। कारण क्या है कि कॉस इनवर्स इनवर्स फंक्शन पाई प्लस यानी पाई से ज्यादा नहीं होता, तो जो कॉस इनवर्स फंक्शन होता है उसकी रेंज जीरो से पाई क्लोज इंटरवल होती है, और यहां पर ये पाई प्लस यानी पाई से ज्यादा हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं, तो इसलिए यहां पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल वैल्यू, ये आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ और रिजल्ट है, आपका ऐसे यहां पर tan इनवर्स माइनस एक्स
माइनस टेन इनवर्स एक्स होता। इसको भी आप स्टूडेंट वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, आप इसको सेल्फ करेंगे, यहाँ पर एक्स ऑल रियल नंबर होता है जैसा कि आप जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स में एक्स डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये मैंने प्रूफ करा दिया, तीसरा आप सेल्फ कर लेंगे। फिर इसके बाद आपका आएगा कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी एक्स ऑल रियल नंबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर sec इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, यहाँ भी एक्स जो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन टू प्लस वन। अब इसके आगे cosec इनवर्स एक और बचा है, तो cosec इनवर्स माइनस एक्स होगा माइनस cosec इनवर्स एक्स, इसमें भी एक्स होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन टू प्लस वन। तो इस तरीके से ये छह ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जिसमें मैंने आपको दो का प्रूवमेंट बताया, और ये प्रूवमेंट आपको बड़ा आसान लगता था जिन्होंने पहले आईटीएफ पढ़ा हुआ है। जब इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाएंगे कि आसान तो है, लेकिन जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो प्रिंसिपल ब्रांच, इस पर हम लोग नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग वहाँ परेशानी में आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया कि ये छह इनवर्स के जो फॉर्मूले हैं और इनका प्रूवमेंट, बाकी चार के प्रूवमेंट आप हमको अपने मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपका चेक करूंगा कि आपने सही किए कि नहीं, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन कनेक्टेड हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, और उसके बाद मैं आपको साइन इनवर्स वन बाई एक्स के, कॉस इनवर्स वन बाई एक्स के फॉर्मूले को प्रूव कराऊंगा, और उसके आगे क्वेश्चन आंसर हमारे आपसे चलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।